Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है बट बहुत ही टेस्टी है. वैसे तो हम नॉर्मली चिकन का शॉर्मा खाते हैं बट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. मैंने यहाँ पे मटन कीमे का शॉर्मा बनाया है. आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज़ ये बहुत ही टेस्टी बनती है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर रेसिपी. कीमे शॉर्मे का जो पीटा ब्रेड है उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स मैदा लिया है और 250 ग्राम्स आटा लिया है वीट का. आप चाहे तो सिर्फ मैदे का भी पीटा ब्रेड बना सकते हैं. और एक चम्मच नमक, एक चम्मच शक्कर, एक ढक्कन वाइट विनेगर और एक से दो पिंच बेकिंग सोडा, आधा कप दूध, आधा कप पानी और आधा कप ऑयल. ये सब हम जो शॉर्मे का पीटा ब्रेड है उसे बनाने में यूज़ करेंगे. अब मैं ये आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी. अच्छे से मिक्स कर लें. आप चाहे तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं बट थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए मैंने दोनों चीज़ हाफ हाफ ली है. इसमें जो वीट का आटा होता है वो और मैदा. अब मैंने इसमें विनेगर डाल लिया है और जो भी हमने निकाला था शक्कर, नमक और बेकिंग सोडा वो हम इसमें डाल लेंगे. अच्छे से मिक्स कर लें. हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है. अब मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी. दूध डाल लें. अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब जो पानी है वो हमें अपने हिसाब से डालना है ताकि जो शॉर्मे के पीटा ब्रेड का डो है वो अच्छे से बन जाए. ज़्यादा हमें एकदम नरम नहीं करना है और एकदम उसे हार्ड नहीं रखना है, मीडियम रखना है. ये देखिए, अब मैं इसे एक कपड़े, गीले कपड़े से कवर करके एक से दो घंटा रख लूँगी. ओके, गीला कपड़ा आप यूज़ करें इसे कवर करने के लिए. अब इसे आप रेस्ट करने दे दें एक से दो घंटा. यहाँ देखिए कितने अच्छी तरीके से मेरा जो डो है वो रेडी हो चुका है. अब मैं सब पीटा ब्रेड का एक बॉल बना लूँगी. हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, आधा इंच जितना, तो उस हिसाब से आप इसका साइज़ बना लें. ये देखिए, ज़्यादा आपको एकदम पतला नहीं बेलना है. अब फोक की मदद से मैं इसमें इस तरीके से होल कर लूँगी. ये देखिए, हमें ऑल ओवर इस तरीके से इस पर होल कर लेना है. अब मैं तवे पे इसे बिना ऑयल या कुछ घी लगाए हुए सेकूंगी. हमें कुछ भी नहीं यूज़ करना है. इसे हल्के हल्के से 50% जितना सेकना है. आप इसे स्लो फ्लेम पे ही सेकें. इस तरीके से हम अपने सारे पीटा ब्रेड रेडी कर लेंगे. ठीक है जी, अब ये हमारे सारे पीटा ब्रेड जो है वो रेडी हो चुके हैं. आप इसे स्टेप बाय स्टेप करें. अब जो कीमा है, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स कीमा लिया है, दो प्याज ली है मैंने मीडियम साइज, इस तरीके से उसे कट कर लिया है. मसालों में हमें चाहिए एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच नमक और एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर. ये सब हम जो हमारा कीमा है, कीमे की जो फिलिंग रहेगी शॉर्मे में वो प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे.
अब मैंने कुकर में तेल डाल लिया है। आप चाहे तो इसे कुकर में 2 से 3 सीटी देके बना ले या पतीली में बना ले। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इंस्टेंट करना है तो आप इसे कुकर में बना लें। तेल में अब आप इसमें प्याज ऐड कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए हमें प्याज को सौते करना है। आप प्याज को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। अब मैंने जितने भी मसाले निकाले थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 5 मिनट के लिए हमें इसे भी भून लेना है अच्छे से। यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम कीमा ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप या 1 कप जितना आप इसमें पानी डाल लें, मिक्स कर लें। थोड़ा सा रेड फूड कलर डालें, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा रेड कलर लाने के लिए मैंने ऐड किया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे 2 से 3 सीटी देके अच्छे से गला लें और भून लें। अब यहाँ पे मैंने जो सैलड है शॉर्मे का वो प्रिपेयर कर लिया है। उसके लिए मैंने एक टमाटर, एक प्याज और एक शिमला मिर्ची यूज़ किया है। उसमें मैंने नमक और काली मिर्ची का पाउडर डाल लिया है। आधा ढक्कन वेनेगर डाल लिया है, वाइट वेनेगर। और मैंने 2 स्पून जितना बटर मेल्ट कर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये सैलड बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे नॉर्मल भी ऐसे खा सकते हैं, अपने शॉर्मे में ऐड करके खाएं। अच्छा जी, अब हम जो हमें अंदर उसके मेयोनीज़ लगानी है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ 2 टाइप की मैंने प्रिपेयर करी, एक रेड और एक ग्रीन। ये रेड के लिए मैंने 1 बड़ा स्पून मेयोनीज और 1 बड़ा स्पून रेड चिली टोमेटो सॉस ले लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मैं ग्रीन सॉस प्रिपेयर कर लूँगी। उसके लिए मैंने 1 चम्मच मेयोनीज लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है, 1/2 चम्मच लाल हरी मिर्ची का पेस्ट डाल लिया है। अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ देखिए हमारे 2 टाइप के सॉस प्रिपेयर्ड है जो हम शॉर्मे में लगाएंगे। अब हम एक एक पिटा ब्रेड लेके, आपको जो होल वाला साइड है वो बाहर की तरफ रखना है और जो प्लेन सरफेस है वो अंदर की तरफ रखना है। अब आप इसमें बारी बारी करके एक एक सॉस लगा लें, अच्छे से स्प्रेड कर लें। क्वांटिटी देखिए आप अपने हिसाब से लगा लें। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा लगाएं, आपको मीडियम पसंद है आप मीडियम लगाएं। अच्छे से स्प्रेड कर लें ऑल ओवर पिटा ब्रेड पे। अब ऊपर से रेड जो सॉस हमने प्रिपेयर किया है वो लगा लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब जो हमने क्रीमा प्रिपेयर किया था वो कीमा हम इसमें डालेंगे। ऐसे लंबे तरीके से डालें आप, इस तरीके से इसे स्प्रेड कर लें। अब हम इसमें जो हमने सैलेड बनाया था वो इस पे रख लेंगे। सैलेड की और कीमे की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डाल लें। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, आपको कम पसंद है आप कम डाल लें। पर अक्सर शॉर्मे में ये सब फीलिंग्स बहुत टेस्टी लगती है जब वो ज़्यादा होती है। ये देखिए हमारा शॉर्मा, कीमा शॉर्मा समथिंग डिफरेंट रेडी है। आप इस तरीके से इसे फोल्ड कर लें और बारी बारी करके सारे शॉर्मे रेडी कर लें। बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल
और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप बेल आइकन भी याद से दबा दें ताकि जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है आपको नोटिफिकेशन में फौरन मिल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन यू ऑल टेक केयर अ लॉट। थैंक यू। बाय बाय।